अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और मैंने आपको कहा था कि रोशन भैया से मुलाकात करूंगा, तो ये है हमारे रोशन भैया। कैसे हो दोस्तों? अभी हम आ चुके हैं चंडीगढ़, अभी हमको जाना है हेमकुंड साहब से जम्मू। जम्मू स्टेशन हमारा लगभग हमने पहुंचना है 4:40 पे और हमने 4 अलार्म लगा लिए हैं, 4:04:10 का। चार सोने में बहुत एक्सपर्ट है, हमारी नींद नहीं खुलती सुबह। हाँ जी, और एक बार इनकी बात सुन लीजिए, ये कालका पहुंचे एक बारी ट्रेन से और ये 2 घंटे सोए रहा स्टेशन पे आके भी, और अब आप सोचिए कि कैसे हैं ये, इनको खाना पड़ेगा। और आप बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ और देखें हमारी जर्नी। तो चलिए गाइस, अभी 9:24 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है लगभग 20 मिनट तक, तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं यात्री निवास और हमारी ट्रेन जम्मू पहुंच गई थी लगभग 5:18 पे, जो कि डिले थी 20 मिनट की। और अभी हम पहुंच गए यात्री निवास ऑटो लेके, उसने हमारे से 200 रुपये लिए जो कि स्टेशन से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर है। तो अभी आपको मैं यात्री निवास के अंदर की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बने रहिए मेरी वीडियो में। बाय बाय। सो गाइस, हमने बस टिकट लेने के लिए लाइन अपने 8 बजे लगा ली थी और पूरी बुकिंग शुरू हुई है लगभग 9:30 बजे और हमारे को 1.5 घंटा वेट करना पड़ा इतनी गर्मी में। आप देख पा रहे हैं मेरे को पसीना बहुत आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं अंदर कर नहीं सकता क्योंकि अंदर काफ़ी लोग बैठे हैं, तो थोड़ा शोर हो रहा है, तो मैं थोड़ा बाहर आके कर रहा हूँ बालकनी में, जैसे कि आप सब पीछे देख पा रहे हैं। हम बस की टिकट लेके फ्री हुए थे वहाँ से लगभग 11:30 बजे और अभी 12:30 हुए हैं, तो आप सोच सकते हो इतनी गर्मी में खड़े होना कितना मुश्किल बात है। और यहाँ पे करें बात व्यवस्था की, तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक ठाक ही है। हमने AC रूम लिया है यहाँ पर, हम सुबह आ गए थे और ये है अपना 200 का विद, तो हमने लिए हैं 6 mattresses जिसका टोटल कॉस्ट बनती है 3000, तो हमको उसमें से 150 कटेंगे और बाकी हमारे को पैसे रिफंड हो जाएंगे क्योंकि हम उसको मैट्रेस को वापस कर देंगे। सो हमारे को 150 rupees रिफंड हो जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे कैंटीन में सिर्फ बिस्किट्स है खाने के लिए और वाटर बॉटल नहीं है। यहाँ पे कूलर्स लगे हुए ठंडे पानी के, बट उसके अंदर पानी गर्म हो चुका है और अच्छा नहीं लग रहा है पीने में, तो अभी हम देखते हैं पानी का जुगाड़ कैसे करना है कैसे नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था, रोशन भैया और मैं आज आए हैं, तो मैं यहाँ पर लगा था बस टिकट में और वो थे KYC में, तो KYC में उनको लगा तकरीबन 2 घंटे, वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हो रही थी और सबसे पहले लगने में लाइन के लिए झड़प हो रही थी कि कौन पहले लगेगा कौन पहले लगेगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 buses होती हैं और जिनका प्राइस अलग अलग होता है, जैसे AC, सुपर डीलक्स एंड सेमी डीलक्स। सुपर डीलक्स का लगभग 850 होता है और सेमी डीलक्स का होता है 400, डीलक्स का होता है आई थिंक 550, तो हमने लिया है सेमी डीलक्स क्योंकि सेमी डीलक्स ही अवेलेबल थी इनके पास और दोनों टाइप की बसेस अवेलेबल नहीं थी इनके पास, तो अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और इनमें डिफरेंस अगर बता दूँ तो AC बसेस में तो AC रहेगा और इस बार ये अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं जा पा रहे हैं उसके ऊपर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। और हम सेमी डीलक्स में जाएंगे, उसके देखते हैं सीट्स कंफर्टेबल होंगी या नहीं होंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।